फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत फाउंडेशन बोल्ट के बारे में हम जानेंगे। तो फाउंडेशन बोल्ट फ्री हैंड स्केच आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके पहले हमने आपको लीवेस नीब बोल्ट और कार्टर नीब बोल्ट के जो फ्री हैंड स्केच है वो बता चुके हैं। आप जो हमारे और वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं, आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। अब जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बोल्ट होता है वो हमारा होता है रैक फाउंडेशन बोल्ट। तो रैक फाउंडेशन बोल्ट का चित्र आप कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक सेंटर लाइन इस टाइप से आपको एक अपनी कॉपी पर एक सेंटर लाइन इस टाइप से आपको खींचना है। तो इस टाइप से आप एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन इस टाइप से खींचना है। यहाँ पर आपको एक बासर बनाना है, इस टाइप से बासर आपको बना देना है। बासर बनाने के बाद आपको यहाँ पर हेक्सागोनल नट बनाना है। हेक्सागोनल नट बनाने के लिए आप हमारे और भी फ्री हैंड स्केच के वीडियो देख सकते हैं कितनी सरलता से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस टाइप से इसका जो है बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे जो फाउंडेशन बोल्ट होता है इसका जो हेक्सागोनल नट होता है इसका हम इस टाइप से बॉडी बनाते हैं। यहाँ पर हम एक जो है इसकी थोड़ी सी बॉडी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा हेक्सागोनल नट यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद हमें जो है इसकी और आगे के लिए प्रोसेस करते हैं। तो हम इस टाइप से जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी जगह यहाँ पे और छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी जगह हम यहाँ पे छोड़ते हैं और इसे हम इस टाइप से मिला देते हैं। इस टाइप से हम मिला देते हैं और यहाँ पे भी जो है हम इस टाइप से काट देते हैं। तो इस टाइप से आपको काट देना है। इसके बाद हमें यहाँ से जो है अब रैक नीब बोल्ट बनाना है। इसे यहाँ से जो है इसका चित्र प्रारंभ होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो दूरी होती है वो हमारी होती है डी। इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे, इस टाइप से आगे चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है वो होती है हमारी डी। इसके बाद आपको यहाँ से जो है सेंटर से इसकी दूरी मापना है फिर से। तो आपको यहाँ पर जो है हमारा एक सही एक एक बटे चार डी यहाँ पे जो है फिर से यहाँ से दूरी आपको लेनी है। तो एक सही एक बटे चार डी की दूरी पर आपको जो है एक लाइन यहाँ पे और खींचनी है। इस टाइप से आपको एक लाइन और खींच लेनी है और इसको जो है आपको इस टाइप से आपको मिला देना है। इस टाइप से आपको मिला देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक चीज़ मिल जाती है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है हमें इसकी दूरी लेना है, जो यहाँ पे इसकी लंबाई लेना है बीच की। तो हम यहाँ पे जो है एक सही एक बटे दो यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक सही एक बटे दो यहाँ पे ले लेते हैं, एक सही एक बटे दो डी यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे जो है हम इस टाइप से एक लाइन और खींचते हैं और यहाँ पे जो है हम इसे इस टाइप से मिला देते हैं। इस टाइप से मिलाने के बाद हम जो है आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है दूरी लेते हैं फिर से। तो ये हमारी जो यहाँ पे हम अब दूरी लेते हैं वो है आपको एक सही तीन बटे चार, यहाँ पे जो है एक सही तीन बटे चार डी यहाँ पे हम दो लंबाई यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो है एक लाइन और खींचते हैं और इसे जो है इस टाइप से हम मिला देते हैं। इसके बाद हमें फिर यहाँ से एक लाइन और खींचना है नीचे, जिसकी हम लंबाई लेंगे 2D। तो यहाँ पर जो है हम इसकी लंबाई 2D लेते हैं और यहाँ पर जो है एक लाइन और खींचते हैं और इसे हम जो है इस टाइप से मिला देते हैं। इस टाइप से मिलाने के बाद हमें जो है इसे पूरा बंद कर देते हैं। इसे बंद करने के बाद हमें जो है इसकी बॉडी बनाना होता है। तो हम यहाँ से जो है इस टाइप से एक बॉडी बनाते हैं, बिल्कुल इस टाइप से एक छोटी यहाँ से सटी हुई बॉडी बनाते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर सीसा या सल्फर भर दिया जाता है। सीसा या सल्फर भरने के लिए आप जो है किसी इस टाइप से जो है छोटे छोटे बिंदु बना सकते हैं या इस टाइप से आप जो है इसे भर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हम इसे भर देते हैं। ये जो है हमारा सीसा या यहाँ पे सल्फर भर दिया जाता है और यहाँ पे जो है इसके बाद हम फिर एक बॉडी बनाते हैं। तो इस पर जो है सीमेंट कंक्रीट या रेत के पत्थर यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। तो इसे जो है आप इस टाइप के बिंदु से दर्शा सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारा रैग नीब बोल्ट यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है।